फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये गाउन या मैक्स ड्रेस बोल सकते हैं आप इसे, ये बनाना बताया है। ये एक पुरानी साड़ी थी मेरे पास, काफ़ी छोटी थी ये, इससे मैं आपको बनाना बताऊंगी। पहले हमने इस पर लाइनिंग पे कट करना है इसे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इस पर मैंने इसका नाप ले लिया है। इसकी लेंथ रखी है हमने 15 इंच, ऊपर के चोली की लेंथ रखी है हमने, और चेस्ट इसकी 36 पे आएगी, कमर इसकी आएगी 32 इंच पे, इसकी कमर का नाप आया है। दो दो इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा। नेक की ब्रीथ आएगी 3 इंच पे, 6.5 इंच पे इसका शोल्डर आएंगे, और 6.5 इंच पे ही आर्मोल आई है। इस तरीके से इसे गोलाई दे दी है। पहले हम इस पर कट करेंगे, फिर हमने जो अपना कपड़ा है उस पर कट करना है चोली को। ये हमारा चोली का हिस्सा है, पहले आपको इस तरीके से इसे कट कर लिया है। ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा था कपड़ा अपना लाइनिंग का, तो इस पर चारों जो है दोनों पल्ले निकल के आए हैं एक साथ इस तरीके से। अब हमें इसे सेम कपड़े पे रखना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस कपड़े की लेंथ 3.5 से ज़्यादा है, 3.5 मीटर से ज़्यादा है। पहले मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, इस तरीके से इस कपड़े को बिछा लिया है 4 फोल्ड में। ये 4 फोल्ड कपड़ा है हमारा, इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अभी जो लाइनिंग है हमारी, इस अस्तर को हम इस तरीके से, ये बंद साइड है इसका, सेम इसी तरीके से हमने इस तरीके से इसे भी कट करेंगे। सेम इस तरीके से हमने इसे कट करना है, सेम इसी तरीके से रख के इस पर इस फैब्रिक को भी कट कर लिया हमने। फिर भी हमने आगे और पीछे दोनों पल्ले निकल के आएंगे हमारे साथ में। अब जो हमें नीचे का घेरे है उसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे मैं आपको कागज़ पे बताती हूँ, इसे पेपर पर बताना आसान रहेगा। इस तरीके से जो हमारा ये लंबाई होती है जो कपड़े की, उसे हम एक बार पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फिर एक तरफ से कॉर्नर उठा के इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इस तरीके से आएगा ये। इस तरीके से आने के बाद नीचे से इस तरीके से इसकी गोलाई आएगी, और यहाँ से हम इसका कमर का नाप लेंगे, वो आपको मैं कपड़े पे बताती हूँ अभी। इस तरीके से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। जितनी भी हमारी कमर है, जितनी भी हमारी एडजस्ट, जहाँ पे भी एडजस्ट हो रहा है ये इस तरीके से, यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है ये इस तरीके से, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, इतना हम इसे कट कर देंगे। और इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, इस तरीके से 35-35 इंच पे मैंने घुमाते हुए सारे पे निशान लगा लिए हैं, और 2 इंच जो एक्स्ट्रा था इसके भी निशान लगा लिए। अब इसे यहाँ से कट करूँगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमने कट करना है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो नीचे हमारा कपड़ा है, यहाँ पे हम कपड़ा जोड़ लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा कटा रखा है यहाँ पे हमने इस पर जोड़ लगाना है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसी को हम इस तरीके से रखेंगे, ये डबल कपड़ा है, इस तरीके से रख के हम इस तरीके से रखेंगे इसे। यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा आएगा, थोड़ा इस लाइन में आएगा 1/2 इंच, इस तरीके से रख के जो इसके गोलाई की शेप है नीचे वाले की, सेम उसी तरीके से शेप में हमने इसे तरीके से शेप देते हुए इसी तरीके से हमें सेव देते हुए इसे भी हम कट कर देंगे। अब ये नीचे के कपड़े का भी कट कर लिया हमने इस तरीके से, जो ये साइड में हमारा कपड़ा होता है इसे हमने कट कर लिया है, ताकि ये हमारे 2 पल्ले निकल के आ जाए इस तरीके से। अब हमने
इस तरीके से पिन अप कर देंगे ताकि हमें इसे सिलने में आसानी रहेगी। तरीके से आया हमारे, देखिए दोनों पल्लों पे हमें पिन लगाना है। ये हमारे दो पल्लों पे ही आएगा, दो पल्ले पे, और दो हमारे पहले से ही तैयार रहेंगे गोलाई में इस तरीके से। दोनों पल्ले पे लगाएंगे इस तरीके से। इसे पिन लगा के हमने तैयार कर लिया है। हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और इसको सिलने का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इसकी कटिंग बताई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।